मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जो हाल दिग्विजय सिंह जी का भोपाल में हुआ था, वही हाल कमलनाथ जी का होगा। कांग्रेस में कलह के क्या कहने, मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ वर्सेस ऑल है और छत्तीसगढ़ में सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल सभी देख रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की जमकर खिल्ली उड़ाई। मिश्रा ने कहा, जो हाल दिग्विजय सिंह जी का भोपाल में हुआ था, वही हाल कमलनाथ जी का होगा। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ वर्सेज ऑल है, पंजाब में कैप्टन वर्सेज सिद्धू जग जाहिर है, राजस्थान में पायलट वर्सेज अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में सिंहदेव वर्सेज भूपेश बघेल सभी देख रहे हैं। जो दिग्विजय सिंह जी का हश्र हुआ था भोपाल में, वही कमलनाथ जी का होने वाला है। कल है तो कांग्रेस क्या है कि दो तीन जगह सरकार बची है, उसके बाद फिर ढूंढते रह जाओगे, जैसे वो एड आता है ना, दाग ढूंढते रह जाओगे। कांग्रेस में जो अभेद किला था वो पूरा हिल रहा है, चरमरा रहा है। वहां पर सिद्धू जी का और अमरिंदर सिंह जी की कलह चल रही है। थोड़ा सा सरकोगे तो राजस्थान में पायलट जी की और गहलोत जी की चल रही है। छत्तीसगढ़ में आ जाओगे तो टीएस सिंह देव जी और बघेल साहब भूपेश साहब की चल रही है, और मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ वर्सेज ऑल है। मिश्रा ने महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर रहने वाले नारायण राणे, जो कि वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री हैं, और आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार करना उनको सरासर गलत है। उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों से भी चोर जैसे निम्न स्तर शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी करते रहे हैं। आतंकवादी कसाब को बिरयानी खिलाने वालों की संगत का असर है कि शिवसेना ने खाना खा रहे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को थाली छुड़वाकर गिरफ्तार किया। देखिए, राजनीति के अंदर इससे खराब शब्द प्रतिदिन राहुल गांधी जी ही बोल देते हैं। इससे खराब शब्द उन्होंने तो चोर शब्द तक के प्रयोग किए, दूसरे शब्दों के प्रयोग किए, पर उसका मतलब ये है कि आप ऐसे और भी तो रास्ते हैं ना। अगर किसी ने गलती की है तो गलती के और भी रास्ते, पर केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर लो। वो कोई ऐसे नहीं है कि साधारण व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मंत्री रहे, तो अनेक पदों पर, जो संवैधानिक पदों पर कह रहा हूँ, रहा हो उस व्यक्ति को आपने ऐसे पकड़ा जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ रहे हो, किसी अफगानिस्तान वाले को पकड़ रहे हो। महाराष्ट्र के ऊपर एक रहीम का भी है, तुलसीदास जी का भी है, संगत के ऊपर है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुंतीन, जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल दीन। या इसको यूं कहें कि आईफन गए तो विष बने, कदली गए कपूर, और सीप गए मुक्ता बने सुसंगत का फलसूत। जिस शिवसेना की माननीय सोनिया जी की पार्टी की संगति का असर है कि कसाब को तो बिरयानी खिलाते हैं और एक केंद्रीय मंत्री के हाथ से थाली छुड़ाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। सरकार के प्रवक्ता के नाते मिश्रा ने कहा कि बारिश के बाद वायरल की शिकायतें आती हैं, प्रदेश के सभी अस्पतालों में चिकित्सा के समुचित प्रबंध किए गए हैं, कहीं पर भी किसी भी बच्चे या बड़े के उपचार में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मिश्रा ने बताया कि गत दिनों में दतिया जिले के कोटरा में बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू के दौरान नाव पर पेड़ गिरने से हुए हेयर फ्रैक्चर का पता कल चला, जब चिरायू अस्पताल में वे स्कैन कराने गए। ये जब मैं उन्हें बचाने के लिए गया था नाव से, तो नाव हमारी के ऊपर पेड़ आ गया था एक, तो उस समय सोचा कि दो चार दिन में हील अप हो जाएगा, पर कल जब एक्सरे कराया बंसल में, तब उन्होंने उसमें माइनर सी दिक्कत बताई है, तो डॉक्टर ने प्रिकॉशन यूज करने को कहा है, कोई खास बात नहीं है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।